अभी और एक पूछता हूँ, अभी आप कहेंगे अभी भाई जी माता जी इधर दौड़ के आई भट्टी में क्लास सुनना है, अभी बहन जी ने कहा भाई जी ने देखा माता जी आप इधर बैठे हो, इतने लोग को खाना बनाना है सब्जी काटने जाओ। अभी माता जी के मन में विचार चला, देखो मैं भट्टी में आई थी क्लास सुनने के लिए, घर में भी सब्जी काटती थी, यहाँ भी आके सब्जी काटो, तो मन में दुविधा होगा ना, विचार चलेगा ना। अभी ये भाई जी आके बेटा मैं इतने 200 किलोमीटर दूर से आया मुझे क्लास सुना, भाई जी ने देखा अरे तुम इधर बेटा जाओ स्टेशन पर कोई आया है उनको लेके आओ। अब ये सोचते का मैं भी वहां भी काम करता था, मैं तो क्लास सुनने आया था, अब मुझे यहाँ सेवा में लगा दिया, तो मन में दुविधा विचार चलेगा ना, तो क्या करें इसका कोई निवारण बताओ। बाबा के बच्चों को आएगा ही। हाँ उसका निवारण बताओ। निवारण क्या जब बाबा के बच्चों को जिंदा आएगी। हाँ लेकिन उसका निवारण भी होगा ना, निवारण बता। अभी दो बताया, अभी माता जी इधर आके बैठी, इनका लक्ष्य क्या था, आज भट्टी का क्लास सुनना है, दौड़ दौड़ के घर से पति को बच्चों को समझा के सवेरे उठ कर करके आके बैठी। अब भाई जी ने कहा माता जी आप इधर बैठे हो, आप सब्जी काटो, इतने लोगों को खाना बनाना है, गई क्या करें, ना तो नहीं कर सकते लेकिन अंदर तूफान। देखो मैं आई थी मुरली सुनने के लिए, कल इसके बाद मैं सेंटर में नहीं जाती, इसके बाद मैं भोग सेंटर में मुरली सुनाने में जाएंगे, उधर सेवा करो कहते हैं, मैं आई थी इतना, अभी भाई इतने 200 किलोमीटर दूर से आया कहता मुझे क्लास सुनना है, और भाई जी ने कहा स्टेशन पर कोई आया है उसको लेने जाओ, अभी क्या करो, जाएगा सामने ना नहीं कर सकता है, तो अंदर तूफान चल रहा है। देखो मैं तो आया था सेवा मुरली सुनने के लिए, क्लास सुनने के लिए, मुझे सेवा में, मैं घर में रहता था वहां भी सेवा करता था, तो तूफान चलता है ना, तो उसका निवारण बताओ क्या करे भाई। बाबा ने कभी कहा मुरली मिस करके सेवा करो, नहीं बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करना, सारे कल्प में एक ही दफा भगवान आके मुरली सुनाता है, मुरली मिस करने के लिए श्रीमत नहीं है। सेवा करे आप कहेंगे मुरली मिस करो सेवा करो, ठीक नहीं है, तो क्या करे, सेवा पहले नहीं। अभी उसके लिए भी उदाहरण बताता, जीवित आज एक कुमार है, उसने 3-4 सेंटर खोला है, जीवित है अभी भी, पूछ सकते हो आप। तो एक कुमार रोज एक सेंटर में, आज से 20 साल पहले 5 माताएं थी, एक ही कुमार था, पढ़ा लिखा नहीं, आटे की चक्की चलाता था, गरीब, साइकिल से जाता था, खाना बना के आया सेंटर में आता था, मुरली सुन के नौकरी में 8 बजे पहुंचता है, नहीं तो नहीं लेगा वो, तो रोज आता था, बहन जी आके बैठती थी 7 बजे, अरे भैया आप बैठा जाओ, पानी आ रहा है गवर्नमेंट का पानी, नल में बूंद बूंद आता है, वो लेना है लाना है, 7 बजे नहीं लिया फिर नहीं मिलेगा, एक दफा पानी आता है, इसको कहा अरे भैया पानी भरो, गया पानी भरते भरते सोचा मैं तो मुरली सुनने आया था, बहन जी मुरली सुनने देती नहीं, बस 1 साल आया ही नहीं, दूसरे दिन सोचा वो सेंटर में जाओ, बहन जी मुरली सुनने देती नहीं, सेवा करो, बताए क्यों जाना चाहिए, आया ना, रुक तुम्हें फोन भी नहीं था। 1 साल के बाद बहन जी भी मिली, भाई जी वो कुमार आता था, आजकल आता ही नहीं, हाँ हमने भी देखा ही नहीं, पहले तो आजकल फोन से बात कर सकते हैं। 1 साल के बाद ये भी मिला, अरे आप कहाँ हो, आपने भगवान को भी भूखा रख दिया और आपने अपना तकदीर भी बिगाड़ दिया, क्यों, अरे आप पानी भरेगा तो बाबा को भोग लगेगा, बहन जी तो मुरली सुना रहे पानी कौन भरेगा, आपने भगवान को भोग नहीं लगाया दिया, और आपका भाग्य बनता था, आपने अपना भाग्य भी नहीं बनाया, भाई जी मैं क्या करूं, मैं जाता था रोज मुरली सुनने के लिए, बहन जी सुनने देती नहीं, सेवा करो बताते, तो क्या करना चाहिए इसने, इसका कोई उपाय बताओ। आपके सामने परिस्थिति है ना ऐसा, तो इसका उपाय ढूंढना पड़ेगा ना, इसने कहा सेवा सेवा के दर, सेवा का उपाय क्या है, अभी इसको कहा सेवा करना चाहिए, मुरली मिस करके एक सेवा करे, तो बच्चे 1 साल आना ही बंद कर दिया, तो उपाय बताओ कुछ का निवारण है, क्योंकि बाबा कहता है असंभव को संभव करने आ, ज्ञान के अंदर निवारण है, इसका कोई निवारण आपके पास है तो बताओ क्या करें। अभी माताएं भी आती है सेंटर में मुरली सुनने के लिए, बहन जी कहेंगे भाई माताएं आज बहुत लोग आने वाले हैं, सब्जी काटो खाना बनाओ, तो आपके मन में विचार आएगा ना मुरली मिस, सेवा किया लेकिन मुरली तो नहीं सुनी, बाद में आप पढ़ नहीं सकती है, आपको पढ़ना नहीं आता है, अभी अभी प्रश्न है ना, माइक अभी लगा नहीं किचन में, माइक लगाया नहीं है,
माइक नहीं, इधर से हॉल में किचन में माइक नहीं है सब जगह पर, बताओ। सरकारी पानी 7 बजे आता, उसके बाद नहीं मिलता। अब भीड़ होती है लोगों की, नल एक नल में बहुत लोग है, तब लाएगा तो बाबा को भोग लगेगा ना, और उसको भी 8 बजे जाना, वो पढ़ा लिखा नहीं, मुरली भी नहीं पढ़ सकते हैं। कुछ उपाय बताओ। हर चीज का निवारण है। मैंने आपको कहा था कल, देखो एक सन्यासी था, उसको बोन टीबी हो गया, तो डॉक्टर ने कहा जीना चाहते हो तो रोज एक अंडा खाना चाहिए, नहीं तो आप जी नहीं सकते। उसने कहा मैं सन्यासी हूं, मैं अंडा कैसे खाऊं, जीना है तो खा लो नहीं तो ठीक है। उसको लगा कुछ करना चाहिए और डॉक्टर से पूछा, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया, उसने कहा डॉक्टर ने क्या कहा, अंडा खाओ, ठीक है अंडे में क्या है, वही आपको मक्खन में मिलेगा, मक्खन खा लो। ऐसे नहीं, अंडे में जो चीज है वही मक्खन में मिलता है। आयुर्वेदिक अलोपैथिक दो चीज है ना, कोई कहता मुझे डॉक्टर ने ये कहा वही खाना चाहिए, वो खराब है नहीं खाना, उसका अलग चीज भी है, मक्खन खा लो। अंडे में जो चीज है वो मक्खन में मिलता है, समझ में आया। ऐसे यहाँ कुछ उपाय बताओ। अभी माता जी कहती है चार माताएं थी, तो वो भाई अकेला था, एक ही कुमार था। अभी वो माता जी को पूछे, माता जी पढ़े लिखी नहीं है, माता जी को मुरली क्या सुना है बताओ, बहुत सुना था क्या था याद ही नहीं है। तो ये भाई एक ही कुमार था, पहले पहले बताया एक ही कुमार, चार माताएं आती है तो क्या करें। हाँ बहन जी देखो होशियार माताओं के पास ज्ञान है, देखो आ गया माता ने कुछ पूछा तो आएगा ना भाई। देखो बाबा ने माताओं के पास ज्ञान का कलश रखा, क्यों देखो कुछ निकला तो उसको एक साल तो चला गया, खत्म हो गया, भाग्य मिट गया। तो मैंने कहा भैया आप कमाई तो करते हो, 100 रुपया तो मिलता है, आटे के चक्के में काम करते हो, तो 1, 50, 5, 10 रुपया में एक प्लास्टिक का ड्रम मिलता था, ड्रम ला करके नल के नीचे रख दो, पानी भरने में 10-15 मिनट लगेगा, तब तक आके बैठो, 2-3 मुरली के पॉइंट सुनो, जाके देखो ड्रम भरा कि नहीं है, भर गया बंद करो, ला के पानी भी हुआ मुरली भी सुना, एक साथ दोनों कर सकते हैं ना। देखो माताजी को याद आया, देखो एक बड़ा बर्तन ले लो रख दो उधर, हमने कहा प्लास्टिक का ड्रम ले लो उधर रख दो, एक साथ दो काम कर सकते हो। जैसे ये भाई है इधर बैठा है, इसको भाई जी ने कहा स्टेशन में जाओ, हाँ ना नहीं करना, क्योंकि भगवान की सेवा, भाई की सेवा नहीं, सेंटर की सेवा, बहन जी की नहीं, बाबा की, हाँ भाग्य बनाने की विधि। तो उसको कहा हाँ, इसको जाने के लिए इतने फोन किया, इसका दोस्त है कोई, रिक्शा वाले को कहा, टैक्सी वाले को, आप उनको लेके आना, नहीं तो इसका दोस्त और कोई है उसको कहा भैया आज मैं मुरली सुनता हूँ, कल आपकी कभी जरूरत पड़े ना तो मुझे बताना, आज आप स्टेशन में जाके उनको लेके आप करो या औरों से कराओ, है ना। अभी माता जी ने कहा कि माता जी को सेवा करना, हाँ मैं करती हूँ, तो ये माता जी को, माता जी आप सुन तो लिख तो नहीं सकते हो, आप सेवा करो, मैं मुरली लिख करके आपको आके बताती हूँ, आप करो या करवाओ, ना नहीं करना।